ब्राजील में नए राष्ट्रपति की शपथ के बाद जबरदस्त हिंसा हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक राजधानी ब्रासिलिया में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। बोल्सोनारो के समर्थक नए राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के शपथ लेने के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन, राष्ट्रपति भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल हो गए हैं, जमकर तोड़फोड़ भी की। हालात को काबू करने के लिए सेना को बुलाया गया और 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल ब्राजील में अक्टूबर में चुनाव हुए थे। इन चुनावों में बोल्सोनारो को हार मिली थी। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के नेतृत्व में वामपंथी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और इसके बाद बोल्सोनारो के समर्थकों ने चुनाव नतीजे मानने से इनकार कर दिया। ब्राजील के हालात पर इंडिया की भी पूरी नजर है। ब्राजील में हो रहे हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और चिंता भी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्राजीलिया में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से बेहद चिंतित हूँ। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम इस मुश्किल वक्त में ब्राजील को पूरा समर्थन देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।